भी इसलिए नहीं आ रहे, सोनिया जी इसलिए नहीं आ रही हैं कि वो समझते हैं कि आगे नतीजा क्या हो रहा है। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि खरगे साहब अपनी मेडन यात्रा पर आ रहे हैं अध्यक्ष के रूप में। तो हमारे संसद में एक बात आती है कि किसी एमपी का पहला भाषण होता है तो उसको इंटरप्ट नहीं करते हा? तो खरगे साहब एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज कमिंग टू कैंपेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे ख्याल में हिमाचल की जनता बोलेगी। मित्रों, तीसरी बात मुझे बतानी है और ये हिमाचल प्रदेश में जिस तरह नारी शक्ति के लिए एक अलग मैनिफेस्टो लाया गया है वो भारत की राजनीति में एक बहुत नए मील का पत्थर है। इसके लिए मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश भाजपा का अभिनंदन करना चाहता हूं इस सोच के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सोच देश भर में जाएगी कि हम देश की बेटियों के रूप में, हिमाचल प्रदेश की बेटियों के रूप में हमेशा उनके और विकास के लिए बड़ा काम करेंगे। मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है, उसकी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखी है, विजन डॉक्यूमेंट में भी रखी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उनके इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की बात हो, उनके हेल्थ केयर की बात हो, उनके टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात हो, उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात हो, ये होलिस्टिक पूरा एक मैनिफेस्टो जो बना है ये बहुत ही अभिनंदनीय है। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि देश की महिलाओं को गवर्नेंस के फोकस में रखा जाए। अगर शौचालय बने देश भर में तो क्यों बने, उसमें भी नारी सम्मान था कि उनको खेत में नहीं जाना पड़े। और दूसरा देखिए, भारत की महिलाओं को एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर उड़ाने का अवसर था लेकिन फाइटर प्लेन उड़ाने का अवसर नहीं था। मोदी जी की सरकार ने कहा हमारी बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन भी उड़ाएंगी। आपने देखा होगा कि उनको आर्मी में ऑफिसर रैंक परमानेंट नहीं मिलता था, आज उनको परमानेंट रैंक मिल रहा है। और आपने देखा होगा मंगलयान के जो साइंटिफिक पूल की हमारी बेटियां थी, हमारी टीम थी, उसमें ऊपर में 2-3 बेटियां बैठी हुई थी। तो ये बाकी सबसे बड़ी संख्या में महिलाओं को केंद्र में मंत्री बनाना, बाकी बनाना, वो सब चीज पॉलिटिकल बातें तो हम करते हैं। तो जेन्युइन एम्पावरमेंट ऑफ वुमन विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, देश की नारी शक्ति का सशक्तिकरण आदर और प्रतिष्ठा के साथ, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने आगे बढ़ाया, आज उसके नतीजे सामने आते हैं। और देश के पूर्व आईटी संचार मंत्री के रूप में मुझे सबसे प्रसन्नता तब होती है जब मैं गांव में देखता हूं कि देश की बेटियां स्मार्टफोन ऑपरेट करती हैं, व्हाट्सएप करती हैं और गूगलिंग भी करती हैं, मुझे बताती हैं वो, तो ये देश का बदलाव हुआ है। तो आज ये जो मैनिफेस्टो का पार्ट है सेपरेट, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयोजन है और मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश ऐसे इनलाइटेंड स्टेट को और आगे बढ़ाने में ये बड़ा काम करेगा। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि बल्कि दो सवाल दो दो विषय एक तो हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट में पहली बार हिमाचल में सुशासन और सनातन दोनों के विकास की चिंता की जा रही है। गुड गवर्नेंस विच प्रोफाउंड इम्फेसिस ऑन आवर कल्चरल रिलीजियस हेरिटेज, जो हमारा सनातन